बात आगे बढ़ते हुए अब बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजों का आज ऐलान होगा। सुबह 8 बजे से यानी कि अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरास खास लगाए गए हैं जिनसे निगरानी होगी। बंगाल में सभी केंद्रों पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। 8 बजे से अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती की शुरुआत होगी और इससे पहले ही एक जगह बताया जा रहा है कि गिनती से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तैयारियां बेहद खास की गई हैं, किसी तरह की कोई झड़प ना हो, माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए केंद्रीय एजेंसीज की भी तैनाती की गई है। वो जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर सीसीटीवी कैमरा से काउंटिंग सेंटर्स पर निगरानी। पंचायत चुनाव के नतीजे आज पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। वोटों की गिनती अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। तैयारियां मतगणना की पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। नतीजे जो होंगे इन पंचायत चुनावों के वो बेहद खास रहेंगे। लोकसभा चुनावों की एक झलक कहा जा रहा है कि इन पंचायत चुनावों के नतीजों में देखने को मिल सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक संकेत मिल जाएगा पंचायत चुनाव के नतीजों से कि टीएमसी का ही यहां पर कब्जा रहने वाला है या फिर प्रमुख जो विपक्षी पार्टी है राज्य में बीजेपी, वो कहां पर है पश्चिम बंगाल। स्ट्रांग रूम में तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। मतगणना हुई और अब इंतजार किया जा रहा है वोटों की गिनती का। जो सेंटर्स हैं वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। चूंकि हमने देखा पंचायत चुनाव में कैसे जबरदस्त हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, दूसरी बार भी कुछ बूथ पर वोट डलवाए गए, कई लोगों की मौत हो गई और इस पर बीजेपी की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। बंगाल में दरअसल जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां का दौरा करेगी ये कमेटी। कमेटी इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। कमेटी का संयोजक रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। इलाकों का अलग अलग दौरा करेगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से बनाई गई ये कमेटी। 22 जिला परिषदों, कई पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों की कई सीटों पर 928 सीटों पर 8 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इस दौरान राज्य भर में हिंसा देखने को मिली जिसके बाद चुनाव आयोग ने 19 जिलों के 697 मतदान केंद्रों पर एक बार फिर से वोटिंग करवाई। सोमवार को ये वोटिंग हुई और आज नतीजे। बीते कल वोटिंग हुई कुछ सीट्स पर, कुछ पोलिंग बूथ पर, आज नतीजे आएंगे और बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए एक खास कमेटी का गठन किया गया है जो कि रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। 50% अधिक लूट हो कोथाओ पार्शियल और कोथाओ 100% लूट हो बोले आपके रिपोल करते 50% अधिक लूट हो कोथाओ पार्शियल और कोथाओ 100% लूट हो आपके रिपोल करते हैं। We have large deployment. Our officers are there. I think our officers in Calcutta will be able to address all your questions and queries. And anything you have briefed to, sir? Sir, anything you have briefed to the governor? Don't. I'm not aware of it. Thank you very much. तो 8 और 10 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए, मतदान पूरा हुआ, बारी है मतगणना की। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुई हिंसा की घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हिंसा की रिपोर्ट सौंपी। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है, जल्द ही उजाला होगा, आने वाले दिनों में सब अच्छा होगा। दरअसल 8 जुलाई को हुए मतदान के दिन 19 लोगों की हत्या कर दी गई, कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आईं। इस दौरान कई मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ की भी घटनाएं सामने आई, तोड़फोड़ की भी खबरें मिली। कल राज्यपाल की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की गई। गृहमंत्री अमित शाह को राज्यपाल की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है।
आज मतगणना होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। देखना होगा कि पंचायतों पर पश्चिम बंगाल की किसका कब्जा होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीते कल मुलाकात की और उन्हें पंचायत चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई उस पर रिपोर्ट सौंपी।